के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। नवादा और गया में इसको लेकर छात्रों ने सड़क और रेल यातायात बाधित कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों ने शहर के प्रजातंत्र चौक और नवादा रेलवे स्टेशन पर आगजनी कर जमकर हंगामा मचाया। छात्रों के प्रदर्शन के कारण सड़क और रेल यातायात बाधित हो गया है। रेल यातायात बाधित होने से क्यूल गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। दरअसल सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का छात्र विरोध कर रहे हैं। नवादा से इसको लेकर छात्र सुबह से ही सड़कों पर उतर गए हैं। आक्रोशित छात्रों ने क्यूल गया रेलखंड पर भी रेल परिचालन को बाधित कर दिया है। गुरुवार की सुबह आक्रोशित छात्रों ने शहर के प्रजातंत्र चौक पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचे सदर SDM उमेश कुमार भारती और SDPO उपेंद्र प्रसाद छात्रों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आक्रोशित छात्रों ने नवादा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। गुस्साए छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेल ट्रैक जाम होने के कारण क्यूल गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। वहीं गया हावड़ा एक्सप्रेस वारिसलीगंज स्टेशन पर खड़ी है, जबकि कई अन्य ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है। परिचालन बाधित होने से भीषण गर्मी में रेल यात्रियों का बुरा हाल है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी छात्रों को शांत कराने की कोशिश में लगे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। वज्रवाहन को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। प्रशासन की अपील का असर आंदोलनकारी छात्रों पर नहीं हो रहा है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।